हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इसमें हम लोग मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। और आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठें जब भी आप वीडियोज़ को देखें, और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, आपको जो टास्क दिया जाता है आप उसे परफॉर्म करिए। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चंस आपको बताएंगे वह आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ है पहली बार। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर का एक पैटर्न भी आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की चांसेस हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देने चाहते हैं वह दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चार्जेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें इस मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको यह मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक हुई है। आपकी जो मार्क्स डिपेंड करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, कहाँ अभी चूक हो गई है, तो आप बढ़िया से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हमने विंडोज ओपन किया है। आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए। और मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस पेपर में छपने वाला है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल कर लिए हैं वह इस मॉक टेस्ट को देना सुनिश्चित करें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट का जब लिंक आप ओपन करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। ठीक है, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ आप लोगों का इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा मॉक टेस्ट का। ठीक है, सबसे पहले यह हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा ये। ठीक है, उसके बाद डाटा वेरीफाइड होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए फिल करते समय, डाटा गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ फिल करिएगा। ठीक है, तो यह मॉक टेस्ट सैनिक क्लासेस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो जब आप लिंक पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे कि आपके ईमेल आईडी। ठीक है, आपके ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद आपका नाम क्या है, कैंडिडेट्स नेम। उसके बाद कैंडिडेट का फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ से सेलेक्ट करके आप फोटोग्राफ अपना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा, आपने किस सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल किया है वह आपसे पूछा जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट दिख जाएगा आपने किस सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल किया है। उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पहली बार आप डाटा को चेक कर लेंगे कि आपने सही भरा है या किसी प्रकार की कोई गलतियाँ तो नहीं हुई। उसके बाद जब चेक करने के बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके। तो जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन है, वह ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि अपनी तैयारी और बेहतर से कर सके हम किसी भी, हम चाहे आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे आपकी डेली क्लास से टाइम टेबल हो, हम उस पर अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो चुका है। पेन और कॉपी लेकर बैठे और सॉल्व करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका मजबूत होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये। ठीक है, 4.01 मल्टीप्लाई 1.0 0.1 मल्टीप्लाई 400, इसका हमको मल्टीप्लाई करके बताना है कितना आने वाला है। हाँ जी बताइए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, तो चलिए आखिर कैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपके पास दिया गया है 4.01 इंटू, आपको क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई करना है, 0.1 का। ठीक है, 0.1 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद देखिए डेसिमल कितने प्लेस पर है। यदि किसी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहता है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो यह डेसिमल इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो जब इसका यदि आप डेसिमल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए साहब। 4, देखिए अब ये डेसिमल है, अब डेसिमल का जब मल्टीप्लाई करेंगे एक डेसिमल और इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 0.401 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, इतना हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा।
ठीक है ओके। अब उसके बाद 400 का भी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसमें क्या करते हैं हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 400 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ओके। तो चलिए हम लोग एक सिंपल वे से करते हैं, ठीक है अभी हम लोग डेसिमल को भूल जाते हैं, 401 में 400 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है यहाँ पर 0 0 0 ओके, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 हो गया, ठीक है 4 1 जा 4, 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 4 जा 16, यानी कि कितना आ गया भाई 1 6 0 4 00, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है 1 6 0 4 4 00। लेकिन आप देखिए डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा है 1 2 3, तो यहाँ से 3 राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कर लीजिए 1 2 और 3, तो यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा, ठीक है तो यह आपका आंसर आ जाएगा 160.4, 160.4 विल बी द करेक्ट आंसर ओके। कितना आसान था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द लीस्ट फ्रैक्शन, फाइंड द लीस्ट फ्रैक्शन हमारे पास दिया गया है 0.25, ठीक है इसको हमको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद हमको सबसे छोटा भिन्न हमें निकालना है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है 0.25 है इसको आप लोग जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को क्या कंसिडर कर लीजिए, आपको 1 कंसिडर कर लीजिए और कितने नंबर दिए गए हैं 2 नंबर, तो 2 नंबर हो गया, ठीक है 2 0 हमने इंक्रीज कर लिया, 25/100 हमने कर दिया, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 25 25 4 जा 100, यानी कि 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर 3rd मैच कर रहा है, ठीक है 3rd मैच कर रहा है ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको ऐड करना है 0.3 0.8 0.09, इसको ऐड करके आपको बताना है, ठीक है इसको ऐड करके आपको खुद बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप सभी, ठीक है तो अब देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यह बहुत ही सिंपल है, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है देखिए 9 9 हो जाएगा यहाँ पर 8 3 11 हो गया, ठीक है डेसिमल के बाद चला जाएगा 1 100 1.19 हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल 5 5 अपॉन में 50 प्लस 9/25, यह है आपके पास, ठीक है इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते होंगे, ठीक है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं 5 10 जा 50 हो जाएगा, यानी कि 1/10 इसको लिख सकते हैं, ठीक है अब हमारे पास जो दिया गया है 9/25 है, तो 9 का डिवाइड 25 का डिवाइड हम लोग 9 में कर लेते हैं, तो यदि नहीं डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल लगा देते हैं, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ गया, ठीक है तो 75 हो गया 3 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर कितना बचेगा भाई बताइए, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है अगेन हमने एक 0 लगा लिया, तो बताइए कितने टाइम्स जाएगा भाग, हाँ जी 6 टाइम, ठीक है यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक यानी कि 0.36 हो गया। उसके बाद अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को 1 मान लेते हैं और कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे 0.36 को, तो कितना जाएगा बताइए 0.46 आ जाएगा, ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, ठीक है चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए भाई किसी भी संख्या को किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा कितने का 100 का, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा टू चेंज एनी नंबर इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है नंबर में क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है आपके पास जो नंबर दिया गया है उस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो हमारे पास नंबर क्या दिया गया है 3/5 दिया गया है, और इसमें आप क्या करिए 100 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है, तो 5 2 10 ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 0 बच गया। तो 20 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 150 का 15%, 150 ऑफ 15%। अब हमारे पास यह क्वेश्चन है, ऑफ यानी कि का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब होता है 150 का, यहाँ पर लिख दे या ऑफ लिख दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 150 ऑफ अपॉन में 15% है। तो जब भी आपको यदि इस फॉर्मेट में लिखा रहे और बोल दिया जाए आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 15/100 लिखेंगे। ठीक है, तो 15/100 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 150 इंटू 15 अपॉन में 100, 15 यहाँ से 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 अपॉन में 10 आएगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो 22.5 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यह आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा क्योंकि यह आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी पर आधारित आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं आपको फिगर भी बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, जिसकी लेंथ दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, इसकी वाइड यानी कि चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूछा जा रहा है, एरिया का मतलब हो गया इसके अंदर का क्षेत्र, इसके अंदर का एरिया क्या होगा। यदि आपसे पेरीमीटर पूछा जाता तो आप इसके ये वाला आपको फाइंड करना पड़ता। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना पड़ता, लेकिन एरिया के टर्म में बात किया जाए तो इसके अंदर का जितना भी फील्ड आ जाएगा वह एरिया कहलाता है। ठीक है, तो यह आपका एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है, हम सबसे पहले हिंदी में लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ठीक है, तो आपका लेंथ कितना दिया गया है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग लेंथ बोलेंगे और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ब्रेथ बोलेंगे यानी कि वाइड बोलेंगे। ठीक है, तो लेंथ आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन सेंटीमीटर में हमने लिखा, देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हुआ। अब मिस्टेक्स के बारे में बात किया जाए तो जब भी आप एरिया निकालेंगे किसी भी फिगर का तो आपका स्क्वायर यूनिट में आने वाला है, यूनिट स्क्वायर आने वाला है, तो आपका यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ पर आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सभी का सभी स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यदि आपको पेरीमीटर निकालना होता तो आपकी यूनिट जिसमें है उसी में आपको रहने देना होता, तब वह यूनिट में आता। ठीक है, जब एरिया निकालेंगे तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम बता देते हैं, जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं मॉक टेस्ट देने के लिए वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी प्रकार के कोई चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, आप वहां पर फिल करके आप अपना मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कॉस्ट प्राइस रुपीज 125, लॉस हो रहा है 12 रुपीज का, देन सेलिंग प्राइस क्या होगा। यदि क्रय मूल्य यानी कि खरीद मूल्य दिया गया है 125 रुपीज और लॉस यानी कि हानि होता है 12 रुपए का, तो आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। आपके पास सीपी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस यानी कि
क्रय मूल्य आपको दिया गया है। क्रय का मतलब होता है खरीदा गया, कितने में आपने उस वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को कितने रुपए में खरीदा है, ठीक है, तो 125 रुपीज, ठीक है। उसके बाद लॉस होता है उनको, कितना हानि होता है, 12 रुपीज का, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यह हमसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए साहब, हमसे यह पूछा गया है विक्रय मूल्य क्या होगा। एक तो सपोज दैट आप इसके बारे में सोचिए, आप किसी वस्तु को मार्केट में गए, किसी वस्तु को आपने 125 रुपीज में उसको परचेज किया, जब आपने उसको परचेज किया तो आपको 12 रुपए का हानि हो गया, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, उसकी विक्रय मूल्य कितनी हुई होगी, ठीक है। सपोज दैट, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आपने किसी वस्तु को 125 रुपए में खरीदा, ठीक है, फिर आपने उसको 12 रुपए हानि पर बेच दिया, तो कितने रुपए में आपने उसको बेचा, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से फार्मूला निकल कर आएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, यानी कि विक्रय मूल्य इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, माइनस लॉस, तभी तो हमारा निकल कर आएगा। तो 125 माइनस 12 कर देंगे, ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 हो गया, 113 रुपीज आपका आंसर आएगा, जो कि आपने उस ऑब्जेक्ट को 113 रुपीज में आपने सेल किया, ठीक है, ठीक है। सोचिए, देखिए, आपने किसी वस्तु को 125 रुपये में खरीदा और आपने 113 रुपये में बेच दिए, तो आपको यहाँ पर हानि ही होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिलो 10, 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फंसने वाले हैं इसी पर आधारित, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ सम संख्या क्या होती है, यानी कि इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, ओके, सम संख्या क्या होती है, वह नंबर जो दो से भाग देने पर, दो से डिवाइड करने पर कंप्लीट रूप से डिविजिबल होती है, उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। इवन नंबर किसे बोलेंगे, दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। किसी नंबर में आप दो से डिवाइड कर देते हैं और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर नहीं आए, तो आप उसे बोलेंगे इवन नंबर, यानी कि सम संख्या, ठीक है, सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 से नीचे की सम संख्या क्या है, 10 को नहीं लेंगे, 10 से नीचे का पूछा जा रहा है, तो हमारा 8 हो जाएगा, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यह हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, समझे बात को। अच्छा, तो जब हमसे एवरेज पूछा जाए, तो हमारे पास कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, ठीक है, ये 4, 8, 6, 4 और 2, ये हमारे पास इवन नंबर है, और कितने नंबर हैं गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं, बाई 4 कर दीजिए, अब इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 6, 4 कितना हो जाएगा, 10, और 8, 2, 10, यानी कि 20 बाई 4, यानी कि जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है, समझ गए भाई। तो आपका एवरेज कुछ इस प्रकार से निकलेगा, औसत आपको इस प्रकार से निकालना होगा, जितने पास आपके पास नंबर हैं, ठीक है, उसको आपको तो ऐड करना पड़ेगा, और इनकी संख्या देखनी होगी कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 0.111 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/9, देन 0.444 एंड 0.777 आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यदि आपके पास जो नंबर दिया गया है वह 0.111 लगभग 1/9 के बराबर है, तो 0.444 और 0.777 लगभग किसके बराबर है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए इसको दिया गया है 0.111 किसके इक्वल टू है, 1/9 के, ठीक है, तो देखो कितना आसान है, देखो अब उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है 0.444 किसके इक्वल होगा, तो 4/9 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है 0.777 किसके इक्वल होगा, तो 7/9 के इक्वल होने वाला है,
ठीक है, तो 4 बाई 9, 7 बाई 9 आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीडियन प्रोपोर्शनल बिटवीन 18 एंड 72, 18 और 72 की मध्य समानुपाती राशि क्या है? हमारे पास यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि क्या है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपसे मध्य समानुपाती पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास जो दो नंबर दिए गए हैं आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए फार्मूला हमने लिख देते हैं। सबसे पहले मध्य समानुपाती होता है, मध्य समानुपाती इक्वल टू होता है 18 इंटू 72। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, द्वितीय गुणे तृतीय पद, सेकेंड टर्म इंटू फोर्थ पद। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है और ए है, तो यह मिडल वाले टर्म होगा, इन्हीं को आपको निकालना है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो अब दो नंबर दे दिया गया, अब इसका हमको निकालना है मीडियन। ठीक है, तो अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बताइए कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, और 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 18 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए, 18 4 72 होता है। ठीक है, अब 18 और 18 है, ठीक है, अगेन हम लोग इसको शॉर्ट में लिख दिया जाए, 18 इंटू 18, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तब यहाँ से हम लोग दो काम हम ले लेते हैं और दो यहाँ से, यानी कि 18 हम लोग एक यहाँ से निकाल लेते हैं और दो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 18 इंटू 2, 18 2 जा 36 आपका आंसर आएगा, 36 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 18 डॉट पेन इज 126 रुपीज, देन वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 24 डॉट पेन्स, 18 डॉट पेन का मूल्य 126 रुपये है, तो 24 डॉट पेन का मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी करते हैं। ठीक है, तो 18 डॉट पेन का प्राइस कितना दिया गया है, 18 डॉट पेन का मूल्य कितना दिया गया है, 126 रुपीज। ठीक है, तो 1 डॉट पेन का मूल्य कितना होगा, प्राइस कम होगा, तो कम के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो 126/18। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है 24 डॉट पेन का मूल्य क्या होगा, तो 24 डॉट पेन का मूल्य ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 126/18 × 24। ठीक है, 6 3 = 18, 6 4 = 24। ठीक है, उसके बाद अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 4 = 12, 3 2 = 6, यानी कि 42 × 4। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 2 = 8, 4 4 = 16, 168 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट द पिक्चर, आपके पास जो पिक्चर दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको एंगल ए बताना है, यह वाला एंगल आपको बताना है, यह कितना डिग्री होगा, यह कितना डिग्री होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको अभी बता देते हैं, देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अब इसी की सहायता से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, ओके, तो देखिए भाई, हम जैसा कि हमने बताया अभी कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 180 में से यहाँ पर इतने पर तो कितना बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है, तो 110 पहले का दे दिया गया है, तो यहाँ पर 70 हो गया, 180 में से 110 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन हम लोग सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा 70 डिग्री। ठीक, तो जैसा कि अब मैं आपको बता देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के अंतर का जो एंगल है, अंदर का जो एंगल है, उसका सम करने पर 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एंगल बी और सी दे दिया गया है, एंगल बी कितना आ गया 70 डिग्री और एंगल सी भी 70 डिग्री आ गया, तो 70 डिग्री + 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए एंगल ए
अब 70 और 70 कितना हो जाएगा, 140 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 140 डिग्री राइट साइड जाएगा तो 180 माइनस 140 हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें से सेपरेट करेंगे तो 40 डिग्री आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। इस एंगल का वैल्यू 40 डिग्री आएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 12, 18 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसका आपको आंसर भी शो किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द अपने कॉपी पर इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कितना रहा है, क्या आपका भी आंसर इसके साथ मैच कर रहा है क्या, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4, 12, 18 ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम तो आपको तो निकालना आता ही होगा, 2, 2 जा 4, 2, 6 जा 12, 2, 9 जा 18, ठीक है। 2, 1 जा 2, 2, 3 जा 6 और ये हो गया 9, ठीक है। अब 3 से हम लोग करते हैं तो ये 1 टाइम्स हो गया, 3, 1 जा 3, 3, 3 जा 9, ठीक है, और ये 1, 1, 1, ठीक। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36। देखिए क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सबसे पहले आपके पास जो ये नंबर आए हैं इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, आपने राइट डाउन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। 4 बताइए कितना आ जाएगा, 2, 2 जा 4, 4, 4, 9 जा 36, ठीक है। तो आपका आंसर तीसरा मैच हो गया, कितना आसान था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। जो आपके पास ब्लैंक्स ऑप्शंस ब्लैंक ब्लैंक करके दिया गया है, अब आपको उसी में फिल करना है। आप इसे सोच कर बताइए, ठीक है, आप इसको सोच कर बताइएगा। 1, 8, 27, 64 दिया गया है, ठीक है। इसको सोच कर बताइए क्या यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल किया जा सकता है, ठीक है। सोच कर बताएं कितना आएगा इसका आंसर। हाँ जी, मैं आपको देता हूं टाइम 30 सेकेंड, इसको सोच कर बताइए कितना आंसर आने वाला है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, डिस्कस किया जा रहा है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, आखिर 8 कैसे आ गया। देखिए हम बताते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। उसके बाद 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, क्यूब का मतलब है 3 घात दिया गया है, पावर 3 है, ठीक है, तो ये 64 हो गया। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2, 5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 1, 2, 5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी द इंटरेस्ट ऑफ 480 रुपीज बी 60 रुपीज इन 4 ईयर्स। कितने सैकड़े सालाना ब्याज की दर से 480 रुपये का ब्याज 4 वर्षों में 60 रुपया होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है दर क्या होगा, यानी कि रेट, ठीक है, रेट पूछा जा रहा है, जो कि रेट हमेशा परसेंटेज में आता है, इसको हिंदी में हम लोग दर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फार्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें अब देखिए 60 रुपीज क्या है, ये ब्याज है, ठीक है, यह ब्याज है, ठीक है, ये 60 रुपीज आपका ब्याज आ गया। उसके बाद मूलधन क्या है आपका, मूलधन है आपका 480 रुपीज, आपका क्या है, मूलधन है, ठीक है। अब उसके बाद टाइम कितना दिया गया है, समय क्या दिया गया है, समय आपके पास 4 ईयर का दिया गया है, 4 वर्ष दिए गए हैं। मूलधन को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पर आपका 480 रुपीज़ आ गया। तो हमसे रेट पूछा जा रहा है, तो बस वही आपको यहाँ पर रखना है। आपके पास ब्याज दिया गया है 60 × 100 कर दीजिए, मूलधन कितना दिया गया है 480 × टाइम कितना दिया गया है 4, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ठीक है, अभी आपका 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, 30 × 5/48। ठीक है, कितना आसान। अब इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, ओके, और 3 × 3 बताइए, 3 × 3 = 18। ठीक है, अगेन इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16। 5 में 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/8 आपका आंसर आएगा, जो कि परसेंटेज में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, तो यहीं पर हम लोग वीडियो लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी क्वेश्चंस अभी बची हुई हैं। ठीक है, आप उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं आएगा तो हम हैं आपको बताएंगे अगले वीडियो लेक्चर में, हम ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है, और जल्द से ही जल्द आप लोगों का मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।